नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है विनोद और एक बार फिर हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आए हम आइसर 485 का रिव्यू। ये वैसे तो ट्रैक्टर काफ़ी समय हो गया लॉन्च किए हुए, लेकिन हमारे गांव में ये पहली बार आया है तो हमारे ही किसान मित्र ने ये ख़रीदा है। ये दीपा बली पर ख़रीदा गया ट्रैक्टर है और उन्होंने इस बीच में इसका क्या क्या उपयोग किया, क्या डीजल खपत रही, उनका क्या अनुभव रहा इस ट्रैक्टर के साथ, वो सभी कुछ हम किसान से भी जानेंगे। पहले कुछ जानकारियाँ जो इस ट्रैक्टर के बारे में वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें इंजन के बारे में, तो इंजन में कोई भी आइसर ने बदलाव नहीं किया है। वही पुराना रिकार्डो इंजन है जो 45 HP में आता है, 3 सिलेंडर इंजन है जो कि एयर कूल आता है। बस ट्रैक्टर जो है ज़माने के हिसाब से थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने दे दिया है पावर स्टेयरिंग, जो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, जो बाहर से ही नलियाँ आपको देख सकते हैं। और इन्होंने जो सिलेंडर की सेटिंग रखी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे सोनालिका 60 में ये सिलेंडर नीचे की तरफ दिया हुआ है, जो कीचड़ में सबसे पहले गंदा होता है और स्क्रैचेस आने की दिक्कत हो जाती है, लेकिन इन्होंने दे रखा है ऊपर। ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी। और यहाँ अगर आप इस तरफ आएँ तो यहाँ देखेंगे आप, तो ये दिया इन्होंने बैटरी के लिए एक सेपरेट बॉक्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देखें सिल्वर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके जस्ट ऊपर देखें तो ये होल दिए हुए हैं, अगर आप एक्स्ट्रा कोई अटैचमेंट लगाते हैं जैसे कि डोज़र या फिर ग्रेटर वगैरह चीज़ लगाना चाहते हैं तो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। और यहीं पे पास में ही आप देखेंगे तो ये एक ऑयल फ़िल्टर दे रखा है, और एक ऑयल फ़िल्टर मेन इंजन में होगा। ये हाइड्रोलिक ऑयल फ़िल्टर है और इंजन के उस तरफ हम अभी आपको दिखाएँगे, वो आपका मेन इंजन ऑयल का ऑयल फिल्टर देखने को मिलेगा। इंजन के दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है माइको का यानी बॉस का इनलाइन पंप, जो कि आता है 3 सिलेंडर में, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। और जो दूसरे ऑयल फिल्टर की बात मैंने की थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये दिए हुए हैं दोनों डीजल फिल्टर। और यहाँ पर दिया हुआ है एक पंप, अगर आपका ट्रैक्टर में डीजल की कमी कारण एयर ले जाता है तो आप इसकी सहायता से एयर निकाल सकते हैं और जो डीजल का प्रेशर है उसको आप बराबर मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ दिया हुआ है वाटर सेपरेटर, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर पानी की मात्रा अगर गलती से भी आ जाती है डीजल में तो ये उसको वहीं पर रोक देता है। आजकल ये सभी कंपनियाँ देने लगी हैं तो इसीलिए आइसर ने भी ये शुरू कर दिया है। और अगर आप ट्रैक्टर की सर्विस करते हैं तो यहाँ पर ये ऑयल डालने के लिए दिया हुआ है, ये यहाँ से ये नली बाहर आएगी, ये दे रखी है। यहाँ से ट्रैक्टर में ऑयल का निशान है और ये दिया हुआ है इसका गेज का मीटर, मतलब बाहर के बाहर आप आसानी से जांच कर सकते हैं ट्रैक्टर में ऑयल की मात्रा। ये देखिए, पुराने मॉडल में काफ़ी लंबा आता था, अभी नया ट्रैक्टर है तो सब कुछ बराबर है, लेकिन अब ये बहुत ही आसान हो गया है। तो अगर हम बात करें इसके एयर क्लीनिंग की, तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 स्टेज एयर क्लीनर। अभी हम इसको खोल के दिखाते हैं। तो पहले की ही तरह यहाँ पे आइसर ने दिया हुआ है 3 स्टेज एयर क्लीनर, जिसमें 1 लीटर ऑयल नीचे की तरफ आप यहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे एक फ़िल्टर है जो कि स्टील का होता है, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा फ़िल्टर, जिसके बाद सीधी एयर क्लीनिंग होकर यहाँ पर पिस्टन्स में यहाँ से जाती है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंजन में आइसर ने कोई भी बदलाव नहीं किया है, 1% भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, ज्यों का त्यों है। अगर आप ट्रैक्टर के आगे की तरफ देखें तो यहाँ पर बहुत ही हैवी ड्यूटी और हैवी वेट के साथ आइसर ने दे रखा है कि ये बम्पर जो कि स्टील का है, और अंदर आई होप इसमें रेत होनी चाहिए क्योंकि प्योर स्टील नहीं होती है, जो ट्रैक्टर में आगे की साइड जोड़ा हुआ है। अगर हम ओवरलुक की बात करें तो यहाँ पे आइसर ने दिया है एक चौड़े साइज़ का बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला साइलेंसर, जो आइसर के लुक को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब इसका साउंड हम आखिर में देखेंगे, इसमें साउंड में क्या तब्दीली आई है। और अगर बाहरी लुक की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे ग्राफिक की पट्टियाँ दे रखी हैं, जिसपे एक पे आइसर लिखा हुआ, 485 लिखा हुआ। पहले ये प्लास्टिक की पट्टियाँ आती थी और बीच में ये सिल्वर और येलो कलर की डिज़ाइन आती थी। अब इन्होंने ये ब्लैक एंड वाइट और सिल्वर के कॉम्बिनेशन को मिक्स करके ये ग्राफिक दिए हुए हैं जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर ऑयल डीजल टैंक के ऊपर भी कुछ इन्होंने बदलाव किए हैं ग्राफिक्स में। और नीचे ये लिख के दिया है हाइड्रोमेटिक, अर्थात इसमें हाइड्रोमेटिक लिफ्ट इन्होंने दे रखी है, जो कि आइसर की अभी तक की सबसे सफलतम लिफ्ट मानी जाती है। यही लिफ्ट आपको मैसी ट्रैक्टरों में भी देखने को मिलती है। अगर आप देखें सामने की तरफ तो यहाँ पे 3 लीटर कैपेसिटी का एक छोटी सी डिग्गी दे रखी है जिसमें आप टूल बॉक्स दे रखा है, जिसमें आप आपका टूल्स वगैरह रख सकते हैं, पाने वगैरह और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको एक मिरर दे रखा है जो आपको पीछे से का बहुत ही बड़ा मिरर है, पीछे का बहुत बढ़िया व्यू देगा। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो इसमें दिया हुआ फुली पावर स्टीयरिंग, फुली लोडेड पावर स्टीयरिंग, जो कि ड्राइविंग को बहुत ही आसान बना देता है। इससे ड्राइवर लंबे समय तक ट्रैक्टर को बहुत ही आसानी से चला पाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इधर देखें तो ये ट्रैक्टर है डबल क्लच में, डुअल क्लच में आता है, मतलब रोटावेटर या भूसे की मशीन, स्ट्रॉ रीपर वगैरह आप चलाते हैं तो जो आपको डबल क्लच है बहुत ही आसान बना देगी। और इसके जो पैडल है यूज़ करने के लिए वो सिंगल इसी में दिया हुआ है, आप इसको 2 बार दबाएंगे तो ये पता चलता है कि ये डबल क्लच है। तो अब आइसर में आ रहा है ऑयल इम्बर्स डिस्क ब्रेक, मतलब ऑयल में डूबी हुई डिस्क ब्रेक आ रही हैं। पहले ये सादा ब्रेक आते थे, अभी आइसर ने ब्रेक्स में बहुत अच्छा बदलाव किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा किसानों के लिए। अगर गलती से ट्रैक्टर, पहले क्या होता था, मैं खुद भी ट्रैक्टर रख चुका हूँ आइसर, अगर ये भीग जाता था तो ऑयल की जो डिस्क होती थी ब्रेक की वो फूल जाती थी और ट्रैक्टर को चलाने में बहुत दिक्कत आती थी। अब ये चीज़ नहीं है, अब ऑयल में डूबी हुई डिस्क ब्रेक है, इससे तो ट्रैक्टर को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही साथ हम गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स तो जौका तो है, गियर बॉक्स में बदलाव नहीं किया है लेकिन गियरों की शिफ्टिंग कर दी गई है। पहले यही गियर्स होते थे वो बीच में होते थे और अब इन्होंने दे दिए ये साइड शिफ्ट गियर बॉक्स, जिसमें हाई लो इस तरफ दिया हुआ है और यहाँ पर मेन लीवर दिया हुआ है। लेकिन ये सिंक्रोमैश गियर बॉक्स नहीं है, ये सादा गियर बॉक्स है, इसको साइड शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब आ चुके हैं हम ट्रैक्टर के पीछे, तो यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही अच्छा और हैवी ड्यूटी हिच, जिसे आप ट्रॉली या फिर बड़े साइज़ के ट्रॉले भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ये है आपकी लिंक अटैच करने के लिए, मतलब टॉप लिंक अटैच करने के लिए। और साथ ही साथ आइसर ने इनबिल्ट दिया है ये सिंगल ऑयल के लिए, आप ट्रॉली वगैरह को उठाते हैं तो सिंगल डुअल दोनों आ रहा है, ऑप्शनल है, ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। उसके साथ अगर ऊपर चलें तो ये एक 12 वोल्ट का आउटपुट दे रखा है और साथ ही साथ थोड़े और ऊपर चलें तो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है। और इसी के हिसाब से सेटिंग करते हुए ऊपर ये पाउच दे रखा है जहाँ पर आप अपना मोबाइल फ़ोन आसानी से रख सकते हैं और फ़ोन को यहीं कहीं चार्जिंग पर भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सेटिंग मुझे लगी। तो अगर हम यहाँ पर ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में बात करें लिंक्स की, तो यहाँ पर बहुत ही हैवी ड्यूटी लिंक दे रखी हैं, दोनों ही लिंक एडजस्टेबल हैं, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं और इसको आप खोलकर एडजस्ट कर सकते हैं। और साइड में जो सपोर्ट दिया हुआ है ये भी एडजस्टेबल है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको उठा के आप आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे जंजीरों का सहारा नहीं लिया गया है। अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर डुअल इंडिकेटर दिए हुए हैं, एक ब्रेक लाइट के लिए और एक इंडिकेटर, और यहाँ पर इस तरफ भी दिया हुआ है। और साथ ही साथ दिया हुआ है इसमें एक स्टाइलिश प्लाउ लैम्प, जो पहले की अपेक्षा काफ़ी सुंदर और मजबूत और टिकाऊ भी दिख रहा है। इसमें हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। सीट के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि इसमें दिया हुआ एक बॉटल होल्डर, जिसमें आप 2 लीटर की बॉटल आराम से रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम ट्रैक्टर के टायरों की बात करें तो टायरों में कोई भी आइसर ने बदलाव नहीं किया है, पहले की तरह 6/16, 6.0016 और 14/928, 14.9, 28 के टायर अभी भी जौके तो दे रहे हैं और पहले की तरह हमेशा की तरह इसमें गुडियर कंपनी के टायर दिए जा रहे हैं। तो अब आ चुके हैं हम ट्रैक्टर के ऊपर और अगर आप देखें तो सिटिंग बहुत ही कंफर्टेबल है और स्टीयरिंग भी आपके हद में है। और आप मेरे राइट हैंड की तरफ देखें तो यहाँ पे मेन लीवर है, जिसमें 1 2 3 4 फॉरवर्ड और एक रिवर्स। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लो और हाई, हाई लो न्यूट्रल, ये शिफ्ट दिया हुआ है, मतलब 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स में गियर यहाँ पे दिए हुए हैं। और साथ ही साथ सीधे हाथ की तरफ ही दिया हुआ है लिफ्ट का कंट्रोल, जो पहले की तरह ही आइसर देता आ रहा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। सेम यही लुक और यही सेटिंग के साथ आइसर हमेशा ये लिफ्ट दे सकता है और ये एडजस्टेबल है, आप चाहें तो ऊपर नीचे करके इनको कस के आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सेटिंग के अनुसार। लेकिन इसमें कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं दिया हुआ है, जो कि आजकल जॉन डियर और न्यू हॉलैंड दे रहे हैं। अगर आप मेरे उल्टे हाथ की तरफ देखें तो यहाँ पे आइसर ने दिया है ये पीटीओ का गियर, जिसमें 540 आरपीएम और 540 पर ही रिवर्स सेम आरपीएम पे दे रखी है। अगर आप लीवर को ऊपर की साइड खींचते हैं तो 540 आरपीएम फॉरवर्ड मिलेंगे और अगर आप नीचे की तरफ दबाते हैं तो 540 आरपीएम रिवर्स में मिलेंगे आपको। अब अगर हम बात करें ट्रैक्टर के मीटर की तरफ, तो यहाँ पे आइसर ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। यहाँ पे बहुत ही शानदार स्टाइलिश मीटर दिया हुआ है, जिसमें मेन मीटर है, डिजिटल मीटर, और साथ ही साथ चार छोटे छोटे मीटर दिए हैं, जिसमें आपको फ्यूल, बैटरी, ऑयल प्रेशर और टेम्परेचर मीटर, ये आपको चार चीज़ें मिलेंगी। बाकी की सारी चीज़ें आपको डिजिटल मीटर में मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे हेडलाइट और जो इंडिकेटर्स हैं उनका शिफ्ट दिया हुआ। अब मैं आपको चाबी ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही शानदार लुक में ये चालू हो गया है। एक बार और दिखाता हूँ, ये मीटर बंद हो गया है। अब मैं इसको फिर से चालू कर रहा हूँ। देखिए, TVS अपाचे की तरह ये दिख रहा है। पल्सर में भी कुछ ऐसा ही आता है। यहाँ पर आपको टाइम दिखा रहा है, ये 5:04 एग्जैक्ट, और ट्रैक्टर के RPM 0 to 30, और ये 125.9 घंटा ये ट्रैक्टर चल चुका है। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें कि पीले कलर की पट्टी लगी, जिसमें 368 और 485, मतलब ये दोनों ट्रैक्टरों में आ रहा है, 368 में भी आ रहा है और 485 में भी आ रहा है। तो अब मैं ट्रैक्टर को चालू कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा इस ट्रैक्टर का साउंड कैसा है, और साथ ही साथ आपको स्टीयरिंग का जो कंट्रोल है वो दिखाता हूँ। तो ट्रैक्टर हमारा न्यूट्रल है, बहुत ही शानदार साउंड के साथ आ रहा है ये। अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसी स्टीयरिंग मैंने सिर्फ जॉन डियर 5310 में देखी है। बस स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा बड़ा है, बाकी इसमें और कोई भी कमी नहीं है। बहुत ही कंट्रोल्ड और बहुत ही सॉफ्ट ये काम कर रही है, इसमें जरा सी भी आपको कमी नहीं निकाल सकते हैं। और अगर ब्रेक पेडल्स की बात करें तो ये सभी भी बहुत ही कंट्रोल में हैं।